अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप डैट यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू ट्विटर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7C। और एक्सरसाइज 7C को स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कौन सी टर्म्स हैं, कौन से न्यू टॉपिक्स हैं, कौन सी नई चीज़ें हैं जो हमने 7C में डिस्कस करनी है और जिनके क्वेश्चन आपने 7C में नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करने हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कमिंग टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों के पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है स्टूडेंट्स? ये हैं ट्रायंगल की टाइप्स। अब ट्रायंगल की टाइप्स में आपको एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दूसरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, थर्ड वन इज स्केलाइन ट्रायंगल। उसके बाद इसके अलावा कुछ ट्रायंगल्स हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। दीज आर राइट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, एंड ये ट्रायंगल नहीं है, ये एंगल्स हैं जिसको हम देखेंगे, इंटीरियर ट्रायंगल। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें, कमिंग टूवर्ड्स द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये इक्वल से ओरिजिनेट हुआ है, ये वर्ड जो है इक्वल से निकला है। सो इक्वल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, थ्री इक्वल साइड्स, थ्री साइड्स इसकी इक्वल होंगी, यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, तीनों साइड्स उसकी इक्वल होंगी। ऐसा नहीं है कि एक 2 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर है और एक 10 सेंटीमीटर है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, आप लोगों के पास तीनों साइड्स इक्वल होंगी। नेक्स्ट, इसमें जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी अगर यहाँ 60 का एंगल बन रहा है तो यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60 होगा, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा, तीनों एंगल्स इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल, जिस ट्रायंगल में होंगी वो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, थ्री इक्वल साइड्स और थ्री इक्वल एंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस इज सो ईजी टू अंडरस्टैंड। कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, टू कॉन्ग्रुएंट साइड होंगे एंड टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होंगे, यानी दो साइड्स इक्वल होंगी, इसमें ये दो साइड्स इक्वल होंगी और ये डिफरेंट हो सकता है आपके पास। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये चेंज हो सकता है। ठीक है, दो साइड्स जिसमें इक्वल हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों एंगल्स इक्वल हैं, वो इक्विलेटरल है। जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं, दो एंगल्स इक्वल हैं, वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड ट्रायंगल व्हिच इज स्केलाइन ट्रायंगल। स्केलाइन ट्रायंगल में स्टूडेंट्स क्या होगा, कोई साइड इक्वल नहीं होगी, ना ही कोई एंगल इक्वल होगा। जिसमें सब कुछ इक्वल वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें कुछ भी नहीं इक्वल वो स्केलाइन ट्रायंगल, और जिसमें दो साइड्स और दो एंगल इक्वल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। स्केलाइन ट्रायंगल में नो इक्वल साइड्स, नो इक्वल एंगल्स, हैज़ एट लीस्ट टू एक्यूट एंगल। ये इसकी एक एडिशनल समझ लें प्रॉपर्टी है अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें क्या होगा, एक्यूट एंगल्स होंगे एटलीस्ट टू, दो तो होंगे कम से कम। ठीक है, एक्यूट एंगल्स होंगे। एक्यूट एंगल स्टूडेंट्स हमें पता है क्या होते हैं, लेस देन 90, ये है ना 90 आपका, ये 90, तो जो लेस देन 90 एंगल्स इसमें ज़रूर होंगे, यानी इस तरह से। अब यहाँ का ही 90 ये बन रहा, तो इस तरह से। ठीक है, लेस देन 90 डिग्रीज के एंगल दो तो ज़रूर होंगे इस स्केलाइन ट्रायंगल के अंदर, और दोनों इक्वल भी नहीं होंगे, हो सकता है एक 45 का हो तो एक 50 का हो, दोनों एक्यूट हैं लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। द थर्ड वन इज़ माइट बी अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एनी ट्रायंगल दैट हैज़ डिफरेंट साइजेस कॉल्ड। अच्छा, ये देखें, ये एक थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर ख़त्म हो रही है। हो सकता है कि इसमें एक राइट एंगल हो, राइट एंगल हो, इसमें 90 का एंगल एक हो सकता है, इसमें दो एक्यूट हो और एक थर्ड वन राइट हो, तो अगर दो एक्यूट हैं तो एक ऑब्ट्यूज हो सकता है, ग्रेटर देन 90 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा एनी एंगल दैट हैज़ थ्री डिफरेंट साइजेस, थ्री डिफरेंट एंगल्स इज कॉल्ड स्केलाइन ट्राइंगल। अब हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इक्विलेटरल
थ्री इक्वल एंगल्स एंड थ्री इक्वल साइड्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। टू कॉन्ग्रुएंट यानी टू इक्वल साइड्स और टू इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड आइसोसेलस ट्राइंगल। नो इक्वल साइड नो इक्वल एंगल इज कॉल्ड स्केलाइन ट्राइंगल। कमिंग टूवर्ड्स द राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल में स्टूडेंट्स आप लोगों के पास क्या होगा, आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें 90 डिग्री का एंगल तो ज़रूर होगा। हर वो ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो एंड टू एक्यूट एंगल्स, दो एक्यूट एंगल हो और एक 90 डिग्री का एंगल हो, तो वो क्या है, राइट ट्राइंगल है आपके पास। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा यानी कि ग्रेटर देन 90 का एंगल होगा आपके पास, तो वो है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब ये टर्मिनोलॉजी है जो आपकी एक्सरसाइज में यूज़ की जाएगी, इंटीरियर एंगल्स। व्हाट आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल विल बी 180। इंटीरियर मतलब किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स, अंदर के तीनों एंगल्स जब आप सम अप करेंगे ए बी एंड सी, जब आप इनको सम करेंगे तो आपके पास सम क्या आएगा, इक्वल टू 180। गेटिंग, एंड एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7C, लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। 7C में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स, और ए पार्ट है इसका, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल सम अप टू 130, द मेजरमेंट ऑफ थर्ड एंगल विल बी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, अभी हमने क्या कहा था कि सम ए बी सी का किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जब आप सम करेंगे तो 180 आपके पास आएगा, ठीक है। सो जब वो कह रहे हैं कि दो एंगल्स को सम किया तो 130 आ रहा है, तो आप बताएं कि थर्ड वन एंगल जो है वो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, 180 में से हम माइनस कर देंगे 130 को, सो द आंसर विल बी 50 डिग्री। गेटिंग, बी अ डैश ट्राइंगल हैज़ ऑल इक्वल साइड्स, तो बहुत आसान है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें पता है सब साइड्स इक्वल होती हैं। सी पार्ट, इफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर एक्यूट, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स एक्यूट हैं, द ट्राइंगल इज कॉल्ड एक्यूट ट्राइंगल। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्राइंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूस। फ्रेंड्स हाइपोटेन्यूस देखें क्या होता है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई। राइट ट्राइंगल में ये 90 का आपके पास एंगल है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है आपकी, इसमें से जो भी लॉन्गेस्ट साइड होगी वो आपका हाइपोटेन्यूस होगी, ठीक है। ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ स्केलाइन ट्राइंगल आर डिफरेंट। कमिंग टुवर्ड्स द ट्रू फॉल्स, द साइड ऑपोजिट द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट, द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट होगी, सो ये ट्रू है। थ्री साइड्स ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल आर इक्वल फॉल्स, आइसोसेलस में तो क्या होता है, आइसोसेलस में सिर्फ टू साइड्स इक्वल होती हैं, थ्री इक्वल नहीं होती। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, जी बिल्कुल ट्रू है ये फॉल्स था। राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट हैज टू साइड्स इक्वल फॉल्स, हो सकती हैं उसमें टू साइड्स इक्वल। A right angle triangle cannot be have obtuse angle. True, इसमें obtuse angle नहीं हो सकता क्योंकि इसमें angle 90 degree का होगा एक, बाकी दोनों acute होंगे, हम ये पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स अब हमने फर्स्ट टू क्वेश्चन कर लिए हैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डन इन नेक्स्ट लेक्चर, सो कीप ट्यून विद द ट्यूटर ऑनलाइन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।